नमस्कार दोस्तों, मेनुका किचन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये गलगल है, इसको लेमन हिल भी बोलते हैं। ये यहाँ के हिमाचली लैंग्वेज में इसको गलगल बोलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस गलगल के जूस को हम लोग कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसके जूस को 1 या 2 साल तक आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपने 5 या 6 किलो गलगल या फिर लेमन हिल लेना है। इसको आपने अच्छे से धोना है और धोने के बाद में आपने इसको सूखे कपड़े से पोंछना है। ये देखिए, इसको मैंने धो के अच्छे से इसको पोंछ लिया है। अब मैं इसको बीच से अलग करके इसको मैं काटूंगी। ये देखिए, मैंने गलगल को बीच से काट लिया है। इसके बाद आपने एक कांच का बर्तन लेना है। आप कोई सा भी बर्तन ले, पर ध्यान रहे कि आपने प्लास्टिक का बर्तन नहीं लेना है। और आपने एक ये कटे हुए गलगल लेना है और इस गलगल के आपने इसके ऐसे करके ऐसे दबा के आपने इसका पूरा जूस निकाल देना है। ये देखिए, मैंने एक बर्तन में गलगल का जूस निकाल लिया है। अब इस जूस को हमने छानना है। ये देखिए, गलगल के जूस छानने के लिए आपने कोई गहरा सा जग लेना है। मेरे पास स्टील का जग है तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कांच का जग है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जग के ऊपर आपने ये छन्नी रखना है। आपने जूस लेना है और जूस को आपने ऐसे करके इसको छानना है। ये देखिए, हमने जूस को अच्छे से छान लिया है। ये देखिए, अब इसको हम अलग कर देंगे। ये देखिए, छाना हुआ जूस ये आपके जग के अंदर है। अब इस जूस को हम कांच के बर्तन में स्टोर करेंगे। ये देखिए, गलगल के जूस को स्टोर करने के लिए मैंने एक यहाँ पे कांच का बर्तन ली हूँ। आपने प्लास्टिक के बर्तन में इसको स्टोर नहीं करना है। आपने ये देखिए, एक कांच का बर्तन लेना है और इस बर्तन में आपने ये छाना हुआ गलगल जूस डाल देना है। ये देखिए, जूस को मैंने कंटेनर में डाल दी हूँ। इसके बाद आपने ये 1 चम्मच नमक डालना है। इसके बाद आपने ये 1 बड़ी चम्मच आपने सरसों का तेल डालना है। ये देखिए, 1 चम्मच सरसों का तेल है ये। इसके बाद आपने इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए, अब आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है। दोस्तों, इसका ढक्कन बंद करके आप इसको चाहे तो फ्रीज में भी रख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे बाहर भी रख सकते हैं। यह आपका ये जो गलगल का जूस है ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। जब आप तिल और आलू की चटनी बनाते हैं तब भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। आप अगर खट्टा मदरा या फिर कोई खट्टी दाल बनाते हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। इस जूस को आप कम से कम 1 साल तक आराम से यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। ये देखिए दोस्तों, गलगल के जूस को स्टोर करने की टिप्स बनके तैयार हो गया है। आपको मेरा ये टिप्स कैसा लगा, आप अपना अनुभव मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।